हाय हेलो नमस्कार मुझे आपको स्वागत करछि बिंगम चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो आज आपको वेलकम करछि। आज इंटरेस्टिंग भिडियो आपंकर न्यू नर्सिंग अफिसर भाकांसी रिगार्डिंग रोहिबो। आज जानते आम रोज महाशिवरात्रि। तो मो तरफ आम चैनल तरफ समस्त को महाशिवरात्रि हार्दिक अभिनंदन। ठीक अच्छे। आज जो भाकांसी आज आम कथा जाऊे टोटाल भाकांसी आपंकर रोहिबो केते ना 1930 भाकांसी रोहिबो। ठीक अच्छे। 1930 भाकांसी रहिबो। तार सिलेबस कौन रहिबो आपमनकर को को रिगार्डिंग आपमनकर एग्जाम रे पड़िबो बा आपमनकर केते टंका खर्च होबो ए रिगार्डिंग सब आपण मानकु कहिबी। आपण माने भाबंतु कि आपण पई जेहा भी अप्लाई करिवे तार चार्जेस ही नाही आ बहुत मिनिमम चार्जेस। ठीक अछि। देन आपनकर होला कोठी एग्जाम सेंटर आपनकु खुशी खबर देबा पई जाउची जोटा कि प्राय ईएसआई रो कोलकाता एग्जाम हुए किंतु एथरिक सीटीसी बा कटक रे मध्य एग्जाम सेंटर अछि। आउ सब रिगार्डिंग आपनकर एज आपण माने केमति कोन अप्लाई करिवे सब रिगार्डिंग आज हम वीडियो रे डिस्कशन करिवा। सेति पई पूरा वीडियो को लास्ट देखंतु। आपण मानकर सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़िया रहइबो 70 रु 80000 पाखा पाखी सैलरी स्ट्रक्चर रहइबो। तो निश्चित वीडियो को आपनकर संग साथी सब ग्रुप रे वीडियो को शेयर करंतु जो माने भी अप्लाई करिया पई चाहउछंती निश्चित अप्लाई करंतु। ठीक अछि। तो आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो फास्ट आपण को कहि देखंतु केवल आपण माने क्रोम को जिबे यूपीएससी गवर्नमेंट डॉट इन सर्च करने। तो सर्च कला पर देखंतु आपनको एठी यूपीएससी ऊपर क्लिक करिवार अछि। यूपीएससी ऊपर क्लिक कला पर देखंतु आपनको एठी रिक्रूटमेंट सेक्शन ऊपर क्लिक करिवार अछि। देखंतु मु एबे क्लिक करनौची रिक्रूटमेंट सेक्शन। तापर आपनको क्लिक करिवे एडवर्टाइजमेंट्स। ओके एडवर्टाइजमेंट्स ऊपर क्लिक करिवे। एडवर्टाइजमेंट ऊपर क्लिक कला पर देखंतु आपनको गोटे रिक्रूटमेंट जोटा कि हमर काली आस्थिरा। देखंतु एडवर्टाइज नंबर जो नंबर 52/2024 स्पेशल जोटा कि 1.91 एमबी रो जो पीडीएफटा अच्छी से पीडीएफटा उपर आपण माने क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे। क्लिक कला पर देखंतु आपंकर से पीडीएफ टी डाउनलोड हो। तो मुझे देखे दूसरी देखूँ आमर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर एति यूनियन पब्लिक हेल्थ पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि आमर यूपीएससी तरफ। ओके यहाँ आपको कही रखुच्छी एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो जॉब। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो ईएसआई जो रहिला से तार ही जॉब। ठीक अच्छे। इनभाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन ऑफ दी फॉलोइंग पोस्ट। ओके देखंतु भाकांसी डिटेल्स आपनको मु भाकांसी कथा कहि रखुछु। देखंतु 1930 भाकांसीज 1930 आपनकर पोस्ट रहइबो। देखंतु नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जोटा कि हमर रहला कोन ना ईएसआई अंडर रे। ओके देखंतु तापर कौन कहला रिजर्वेशन पोजिशन जेनेल 892 ईडब्ल्यूएस 193 ओबीसी 446 एससी 235 एसटी 164 पीडब्ल्यूबीडी जो मैंने रहिले 168। ठीक अच्छे। आउ देखि नियंतु। हाँ आउ आपन को कौन कहला ना ये जो सब रिजर्वेशन आपन को देदेला तापर मोस्टली आपन मान को कौन देखिबार अछि। देखंतु आपन पे स्केल बा सैलरी रिलेटेड लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स आज पर 7 CPC। ठीक अच्छे। 7 पे स्केल अनुसार आपर लेवल 7 रो पे मैट्रिक्स आपने पाइबे। तो पाखापाखि भावतु आपर 70,000 रु 80,000 टका सालारी रहा जाऊँगी। आ संगे आपर आलाउन्स भी बहुत गुड़िया अच्छी। ठीक अच्छे। देन देखो एज एज आपको दे केते एज भितर हो दरकार ना मिनिमम 18 आउ मिनिमम रहा यूआर आउ ईडब्ल्यूएस 30 वर्ष से भाव 33 वर्ष ओबीसी 35 वर्ष एससी एसटी कैंडिडेट 40 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी। ठीक अच्छे। ये सब आपने देखिदेवे मिनिमम 18 आउ सब पाखापाखि 30 33 35 यहाँ अच्छी। ठीक अच्छे। तापर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपण माने कौन होते क्वालिफिकेशन को फिल करें। देखो आपंकर जब बीएससी नर्सिंग होता है आपण माने रेजिस्टर्ड होता रेजिस्टर्ड नर्सिंग होता ताहले आपण माने अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि। ता माने बीएससी नर्सिंग आपण माने पास करथिबा दरकार आ आपनकर सर्टिफिकेट रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब थिबा दरकार। ओके देन सरला देन देखंतु आउ गोटे इंपोर्टेंट डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो माने जीएनएम करूछंती से माने कोन अप्लाई करि परिबे नी। हां अप्लाई करि परिबे। आ तांको पई मध्ये गोटे पॉइंट देछि कोन ना डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी रे करथिबे बा जीएनएम करथिबे ता सहित जोटा कि हमर एम्स रे मागुतला 2 ईयर एक्सपीरियंस जोटा कि बहुत पिला माने फुलफिल करि पारु नथिले एठी दे देछि 1 ईयर एक्सपीरियंस। ओके 50 बेडेड हॉस्पिटल रे 1 ईयर एक्सपीरियंस जदी थिबो तुमे एथरे अप्लाई करि परिबो। ओके देन जिबा देन देखो ड्यूटीज ड्यूटीज देला कौन ना कौन कौन गोटे नर्सिंग ऑफिसर रो जहाँ ड्यूटी से ही एलाबोरेट करमती किसी ना। ठीक अच्छे। देन अदर डिटेल्स एटा आपंकर द पोस्ट इज परमानेंट आदरे टोटाली टेम्पोरारी ना परमानेंट ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल रहिबो। ग्रुप बी आपंकर पोस्टिंग रहिबो। देन देखो हेडक्वार्टर आर हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना ईएसआई कॉर्पोरेशन पंचदीप भवन सीआईजी मार्ग न्यू दिल्ली विथ लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक अच्छे। आर हेडक्वार्टर अच्छी दिल्ली में किंतु तुम्हें चाहिए इंडिया भितर जो ईएसआई रो जो अच्छी जो जगह अच्छी तुम तुमको पोस्टिंग दिया जीवो ओके देन गला प्रोबेशन जोड़ा कि 2 years मैंडेटोरी इंडक्शन ट्रेनिंग आज प्रिस्क्राइब एंड स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ प्रोबेशन। तो प्रोबेशन टा पर ही जो रहा स्पॉन्सर्ड करते बा ट्रेनिंग पर ही से तुमको जहाँ भी तुमको आउ एंट्री करेबे ठीक अच्छे। देन आसला एनी अदर कंडीशन जोड़ा कि यहाँ तो आपण मानक ये देखने देन देखु मेनली आम आप्लाय केवेठू करिपरिबा ना 7 मार्च ठीक अच्छे। 7 मार्च बा आमर गत काली ही स्टार्ट हो जाइए आज है 8 मार्च तो 7 मार्च आम स्टार्ट करपर आमर क्लोजिंग डेट रहा आपर 27 मार्च ओके। तो पाखापाखि 20 दिन टाइम अच्छे आपने भलसे ए पीडीएफ को देखूँ भलसे सब क्राइटेरिया को देखूँ फिलअप करती कि ना ताल आप्लाय करूँ ठीक अच्छे। देन जी देन देखु यहाँ देदेला डिजाबिलिटी जहाँ सब किसी प्रोसेस रहा। देन आसला कौन सिलेबस कौन कौन टॉपिक्स आपण मानक रहिबो देखो नर्सिंग फाउंडेशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नर्सिंग एजुकेशन पेडियाट्रिक नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज डायटेटिक्स सॉरी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ये सब नॉर्मल टॉपिक्स तुम्हें जानिथिबो कौन कौन तुम नर्सिंग रे आसे। आसला कौन कोठी रिक्रुटमेंट टेस्ट हम विल बी कंडक्टेड आक्रस द फॉलोइंग सेंटर्स इंडिया भितर कोठी कोठी तुमर हम ये सबू देदेची मु केवल तुमको इम्पोर्टाटली गोटे कहूँ देखो ओडिशार 17 नंबर दे कौन कटक ओके जोटा कि तार कोड हूँ 44 ठीक अच्छे सरी सीरियल नंबर हूँ 44 देखो कटक तुमर एग्जाम सेंटर अच्छी ताने बहुत बड़ कथ आम कटक एग्जाम सेंटर अच्छी माने समस्ते आप्लाय करूँ आमको कोलकाता जावाक पड़ोनी कि आमको दिल्ली जावाक पड़ोनी ठीक अच्छे। कोलकाता तो अच्छी आपने जानिथे तो आमर कटक दे देछि तो आमर नियरेस्ट सबुठु ओडिसार जो देछि कटक समस्त सब पिला भाबुछि आसी परिबे तो सेठी की जो सेठी ही समस्त चूज करिवे ठीक अछि। आ गोट कथा कहि रखुछि आपण माने जेते शीघ्र अप्लाई करिवे ही कटकटा आपन को मिलिबो न होले जदि बहुत पिला कटक रे अप्लाई कर दियंती ताहले से कटक रो जो कैपेसिटी अछि सेटा फिलअप हे जिवो तापर तुमको कटक देखैबोनी तापर तुमको अलगा कोनोसी इंस्टिट्यूट देखैबो बा अलगा कोनोसी जगह देखैबो ठीक अछि एथर किछि असुविधा नै। तो निश्चित जिबा तापरे द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज हाँ द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज 7/7/2024 ता माने तुमर 7 मास 7 तारिख रे आपण मानकर हेबाकु जाउची कोन ना एग्जाम ता माने आपण को जुलाई 7 ओके जुलाई 7 रे एग्जाम हवा पई जाउची ठीक अछि। देन जीवा हाँ देन जीवा कोन कहिला ना ये जोटा मुझे कहली जोटा कटकटा कहीं शीघ्र फिलअप करेंगे सीटा सी लिखिदे। देन आपंकर इंपोर्टाट नोट्स दे किटा आपने सब देखने डिजाबिलिटी किसी अच्छी आउे जो आडिशनाल गोटे फुलफिलमेंट दरकार जोटा कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता दरकार बा नेपाल बा भूटान ये सब दे आपने देखने ये सब नॉर्मल जिनस ठीक अच्छे आपने निश्चित फिलअप करुवे। तो तापर देखा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टाट आ मोस्ट 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 आप इंपोर्टाट कौन ना एम्स जो आपने आप्लाय कर 3000 टका दरकार पड़ुची जोटा कि एससी को छाड़ी ठीक अच्छे। तो ये देखो मात्र 25 टंका मात्र 25 टंका एससी एसटी आउ फीमेल पर्सन विथ बेंचमार्क डिजाबिलिटी को छाड़ी आउ जो माने रहिले आपनकर किए ना यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस तांको पाई मात्र 25 टंका रे से माने अप्लाई करिवे। आउ आपण माने तो जानथिबे फीमेल एससी एसटी पर्सन विथ डिजाबिलिटी जो मानकर रहिला से मानक पाई जम्मा भी फी नाही ठीक अछि। तो 25 टंका गोटे एसबीआई रो गोटे करिया पड़िबो आपण गोटे चालान पे भलिया गोटे करिया पड़िबो तो सेटा ही केवल करिया पाई पड़िबो ठीक अछि। देन गला देन आपण को आसला कौन हाँ नो फी एससी एसटी पीडब्ल्यू फी ना ठीक अच्छे। देन आसला देन आपण मैंने देखी नियंतु फी वन्स पेड शाल नॉट बी रिफंडेड फी आपंकर रिटर्न हेब ना तो मात्र 25 टंका आपण मैंने निश्चिंत एग्जाम को फेस करूँ 25 टंका जाऊ कि 100 टंका जाऊ 200 टंका जाऊ गोटे एग्जाम को फेस करूँ आप 100% ठीक अच्छे। कारण एत भी कम पैसा गोटे पिला हाँ डरू एम्स देवाई कि 3000 टंका देले मोर तो से भाया प्रिपेयर होनी कि मुझे तो से भाया प्रिपेयर होनी कि मुझे फुलफिलमेंट करूनी क्राइटेरिया तो मुझे कहीं देवी एमती गोटे पिला एम्स देवाई मागुथ कि 25 टंका तुम फ्रेशर हो कि जहाँ भी हो तुम 18 वर्ष होनी कि तुम अधिका एज अच्छी ए सब को आपण माने जदि फुलफिलमेंट भी न करि पाछन ताहाल भी मते अप्लाई करंतु केवल एग्जाम को देखिया पय ठीक अछि। देन गला देन आपण को एज रिलैक्सेशन आसी गला जोटा कि पीडब्ल्यूडी बा एससी एसटी पिला मानन पय तापर आ आपण को सेमति किछि भी एते अपडेट नाही जोटा कि आपण माने केमिति कोन अप्लाई करिवे सेटा देई देछि। तो एटा आपण माने निश्चिंत पाई जिवे जोटा कि अप्लाई करबा बेले गोटे भलो साइबर कैफे रे निश्चिंत भलसे अप्लाई करंतु ठीक अछि। देन कहला कोन आ गोटे इंपोर्टेंट आपण को इन्फॉर्मेशन देबा को चाहूँ जी हाँ आपणकर एटा मु छाडी देथिली कोन ना द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन 2 घंटा आपणकर एग्जाम रहइबो ऑल क्वेश्चन क्यारिंग इक्वल मार्क जोडा कि इक्वल मार्क रहइबो तो देखंतु द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ता मान तमरो ओएमआर सेट रे ही एग्जाम होबो द मीडियम विल बी इंग्लिश रे एग्जाम होबो देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स ईच रॉन्ग आंसर विल क्यारी ए डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क ठीक अछि ता माने तमरो जदी मनकर गोटे मार्क रो क्वेश्चन रहउची ताहाले तुमरो गोटे भूल रे 0.33 मार्क कटिबो सेबले जदी 2 मार्क रो क्वेश्चन थाय ताहाले 0.66 मार्क कटिबो तो एई भला बे 1/3 जो रहला कटिबो देन आपन को सिलेबस रहला आ आपन को ए सब क्राइटेरिया बा ए पीडीएफ को मु आपन को WhatsApp आ Telegram ग्रुप रे जॉइन जदी हेई नांदे जॉइन हे जानतो मु सेठी छाड़ देबी आपन माने सब कुछ भल से थर करी पढि नेबे ठीक अछि तो बाबूजी आपन माने निश्चित बुझी पारथिबे आपन संग साथी सब ग्रुप रे निश्चित वीडियो को शेयर करंतो जो माने भी एम्स पई प्रिपेयर होचन से माने एटा तांगो पई एटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ठीक अछि ए साइर एते पोस्ट भी बहुत पोस्ट भी आसी छि तो आउर भी आगु को आपन को रहला जो पीजीएम रे ए सब भी पोस्ट आसु छि आपन माने निश्चित हम चैनल अपडेट पाई परिबे तो सेति पई चैनल को सब्सक्राइब कर रखतांतो आ निश्चित वीडियो को आपन संग साथी सब ग्रुप रे वीडियो को शेयर करंतु तो ठीक अछि आज पई एति अपडेट नेक्स्ट देखाबा आगामी एमते इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो सहित आज पई रहली जय जगन्नाथ।